तो मैंने कहा, जब ज्यादा शोर उधर से मचा रहे थे, मैंने कहा अभी थोड़ा सब्र करो, हमें मालूम है आप ईवीएम से चुन करके यहाँ बड़ी तादाद में आए हैं, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है, और मेरे यहाँ वो इतनी गड़बड़ी नहीं कर पाए, शायद अंडर एस्टिमेट किया होगा मेरे को उन्होंने। मैं जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई और इस बात को कि मैं इसके खिलाफ हूं, सिर्फ यहां नहीं, मैं जब भी चुनाव आयोग की बैठक में पिछले 20 साल से अभी तक जितनी चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ मीटिंग की थी, उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया था। आज मैं यहां पर दूसरे रूप में हूं, लेकिन उससे पहले अवतार में मेरी जिम्मेदारी रहती थी कि मैं जाकर के अपना पक्ष रखूंगा, और ईवीएम के खिलाफ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। और बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, मौजूद है, तो कोई भी मैन मेड चीज जो है उसको जिसने बनाया है वो उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, और इस बात के कई सबूत मिले हैं। लेकिन बार बार कमी इस बात की है कि हम लोग जो सियासत में हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही इस इशू पर। एक चुनाव होता है, थोड़ी देर के लिए विरोध होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं तो जिस दिन मेरे को मेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे लोकसभा का सर्टिफिकेट दिया कि आप सांसद निर्वाचित हुए हैं, और जब मुझसे बाहर मीडिया कर्मियों ने पूछा कि साहब आप तो ईवीएम का विरोध करते हैं और आप ईवीएम के माध्यम से ही सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, तो मैंने उस वक्त भी कहा वहां पर कि मैं भले ही इस चुनाव का सर्टिफिकेट, क्योंकि मजबूरी है कि ईवीएम से चुनाव हुआ है और मेरे यहाँ वो इतनी गड़बड़ी नहीं कर पाए, शायद अंडर एस्टिमेट किया होगा मेरे को उन्होंने, लेकिन मैं संसद के अंदर पहुंच के पहला भाषण अगर दूंगा तो वो ईवीएम के विरोध में दूंगा। और ये संघर्ष लंबा संघर्ष है। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि जब हम जैसे लोग सो गए हैं तब आप लोग जिंदा कौमों की तरह खड़े हैं संघर्ष करने के लिए। मेरा नजरिया बहुत साफ है कि जिस तरीके से इस मुल्क में ईवीएम के माध्यम से पॉलिटिकल रिगिंग हो रही है, वो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। और मैंने ये बात बाहर नहीं, मैंने अंदर सदन में भी कही कि जब अगर किसी चीज पर शक हो जाए, जब अगर देश की जनता को ये लगने लगे कि हम जहां वोट दे रहे हैं शायद हमारा वोट वहां नहीं पहुंच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की जमहूरियत पर, हमारे मुल्क के मजबूत लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगा। अगर लोगों का विश्वास टूट जाएगा अपने मत देने के अधिकार में, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। दानिश अली आज एमपी बन के लोकसभा में बैठे या कोई दूसरा बैठे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस देश की आम जनता का जमहूरियत में विश्वास रहना हमारे लोकसभा में सदस्य रहने से कहीं बड़ा काम है।